वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दही वड़े की रेसिपी। तो इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए होगी उड़द दाल भिगोई हुई, इसमें आप धुली हुई उड़द दाल भी यूज कर सकते हैं या साबुत उड़द दाल भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रात भर भिगो के रख लेना है पानी में और फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। मैंने कर लिया है, ठीक है। बाकी आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको चाहिए होगा ऑयल, आपको चाहिए होगी बारीक मिर्च, हींग बहुत जरूरी चाहिए, अदरक, आपको चाहिए होगा नमक, मसाला, मसाले में आप चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, और आपको चाहिए होगी लाल मिर्च। ये मैंने जो है लहसुन और प्याज की प्योरी इकट्ठी ग्राइंड करके रख ली है। बाकी आप यूज कर सकते हैं कैशू नट्स, जो कि आपको लास्ट में डेकोरेशन के लिए चाहिए होंगे। और आपको यूज करना है धनिया पत्ता, दही और प्याज और लहसुन। चलिए विधि स्टार्ट करते हैं, हमें इसे कैसे बनाना है। हमें ये उड़द दाल का जो प्योरी है ये हमने पार्ट लेना है अच्छे से निकाल के, ठीक है। इसमें आप इंग्रेडिएंट्स डाल लीजिए अपने अनुसार। मिर्चा, हींग जरूर डालना है, नमक हल्की सी, मसाला, लहसुन और प्याज, अदरक। अगर आप कैशू नट्स चाहें तो वो भी इसके बीच में डाल सकते हैं, चाहे आप पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और जो हमने प्योरी तैयार की थी वो आपको थोड़ी सी यूज कर लेनी है, इसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। चलिए अभी इसे अच्छे से फाट लेते हैं। ध्यान रहे दही वड़े में क्या होता है, जो ये प्योरी होती है आपकी, जो बैटर आप बना रहे हो उड़द दाल का, ये बहुत अच्छे से फटना चाहिए, तभी वो टेस्टी बनती है। अब हमें क्या करना है, ऑयल गर्म होने को रख देना है कढ़ाई पे, मैं रख चुकी हूँ ऑलरेडी। और अब हम इसके वड़े बनाएंगे। एक कटोरी में पानी ले लीजिए, उसे हाथ में इस तरह से लगाइए, इसका ये है कि इससे चिपकेगा नहीं आपका जो ये वड़ा है। इस तरह से हाथ पे ले लिया, बीच में आपने इस तरह से फोल्ड कर लिया। और अब इसे पलट दिया और कढ़ाई में इस तरह से, इसी तरह से आपने बाकी के भी बना लेने हैं। अभी एक साइड से सिक चुके हैं, इन्हें पलट लीजिए इस तरह से। अगर आपसे इस शेप में नहीं बन रहे हो तो आप इन्हें पकौड़ों के रूप में भी डाल सकते हैं, नहीं बन रहा था आप उस तरह से भी आप बना सकते हैं, टेस्ट आपका वैसा ही रहेगा। अभी हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल दे रहे हैं। इस तरह से आइए अब दही तैयार करते हैं, जिसमें हमें इसे डिप करना है। ये आपने एक बाउल दही ले लिया है, अपने अकॉर्डिंग ले लें। दही बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, इसलिए मैं हल्का सा वाटर मिक्स कर रही हूँ। नमक डाल ली है, फिर प्याज अगर आप चाहें तो, मुझे सही लगते हैं बिल्कुल छोटे छोटे प्याज काटे। चाट मसाला और मिर्च, ठीक है। आप इसमें कैशू नट्स भी डाल लीजिए, ऊपर से भी सर्व करने पे भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको इसमें क्या कर लेना है, ये दही वड़े रख लें, डिप करके रख लेने हैं इस तरह से।
इसे आपको ओवरनाइट रखना है डिप, तभी ये आपके सॉफ्ट होंगे। ओवरनाइट और नेक्स्ट डे आप इसे खा सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है, आपको ये जो दही है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आपको ऐड कर लेना है प्याज, कैश्यू नट्स, मसाला, ठीक है, मिक्स करके। अब आपको क्या करना है, दही भल्लों को डिप कर देना है गर्म वाटर में हाफ एन आवर के लिए। आप देख लीजिए, अगर आपके जो दही बड़े हैं वो थोड़े हार्ड हैं तो आपको ज्यादा देर तक डिप करना है, अगर वो सॉफ्ट हैं तो 15 से 20 मिनट इनफ है। रीजन ये है बस इन्हें सॉफ्ट करने का। जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था उसमें आपने डायरेक्ट डिप कर दिए थे दही में, तो उसमें भी आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको ओवरनाइट उसे रखना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, अब हम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट का इन्हें डिप होने का। अब ये देखिए, आपके 15 से 20 मिनट हमने डिप किए थे, एकदम सॉफ्ट हो चुके। अब हम इन्हें क्या करेंगे, दही में डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, अब आपको इसे दही में डिप करके रखना है। 15 से 20 मिनट आप ये डिप करके रख लें दही में भी, और इसे आपको सर्व करना है कैश्यू नट्स, धनिया पत्ता, और ये आपने चाट मसाला ऊपर से इसमें डाल दिया। तो ये देखिए, आपके दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इन्हें खा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।